गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आरोह का लेसन 1 आत्म परिचय कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। जो प्रस्तुत कविता है आत्म परिचय, इस कविता में कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। अर्थात कवि कहता है कि हम संसार से पूरी तरह दूर नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। कहने का मतलब कि दुनिया चाहे हमें कितने भी दुख देती है, कितने भी हमारे पर व्यंग्य बाण चलाती है अर्थात हमारा उपहास उड़ाती है, शासन प्रशासन चाहे हमें कितना भी कष्ट दे, फिर भी मनुष्य समाज से कटकर नहीं रह सकता। कवि पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। अर्थात वो कहता है कि मेरी जीवन से बनती भी नहीं है और मैं इस जीवन के साथ निभाता भी हूँ। तो अब हम अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जीवन जीने की शैली बता रहा है तथा दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर कर रहा है। द्वंद्वात्मक संबंध यानी उसका द्वंद्व चलता है, युद्ध चलता है जीवन के साथ। व्याख्या इसकी इस प्रकार है, कवि कहता है कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, और इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मेरा जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झनकृत कर दिया है। झनकृत करना यानी बजाना, जब हम सितार के तारों को छेड़ेंगे तो उसमें आवाज़ आएगी, तो वो झनकृत करना कहलाता है। तो कहता है कि कभी मेरे जीवन को भी किसी ने छू करके झनकृत किया था, अर्थात मेरे जीवन में भी प्रेम आया था, और मैं उसी प्रेम के खातिर, मैं उसी प्रेम के लिए जी तार रूपी सांसों के साथ जी रहा हूँ, तार रूपी सांसों के साथ जी रहा हूँ। अर्थात मेरी सांसों में प्रेम की महक बसी हुई है। आगे कवि कहता है, मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात मैंने स्नेह रूपी शराब पी रखी है। यहाँ पर स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेम रूपी शराब का नशा किया हुआ है, अर्थात वह प्रेम ही प्रेम बांट रहा है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं इस संसार की कभी कोई परवाह नहीं करता कि यह संसार मुझे क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इस पंक्ति में कवि कहता है कि यह संसार केवल उन्हीं लोगों को पूजता है, उन्हीं का अनुसरण करता है जो संसार की बनाई रीति रिवाज और परंपराओं पर चलते रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, किंतु कवि कहता है कि मैं तो वो करता हूँ जो मेरा मन मुझसे करने के लिए कहता है, अर्थात कवि वही करता है जो वह चाहता है। नेक्स्ट पंक्ति, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ।
कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, उर माने हृदय। वो कहता है मैं अपने हृदय में उत्पन्न जो भाव हैं उन भावों के साथ इस संसार में जी रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और खुशी के से जो भी उपहार मुझे मिलते हैं मैं उन उपहारों को अपने साथ लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कवि कहता है कि मेरे लिए यह संसार अधूरा है और इसी कारण यह संसार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, वो कहता है मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन कर लेता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ कि चाहे सुख मिलें चाहे दुख मिलें मैं दोनों ही परिस्थितियों में खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जो लोग हैं यह संसार है यह इस संसार से पार उतरने के लिए कर्म रूपी नाव बनाता है। क्या बनाता है? कर्म रूपी नाव बनाता है, संसार के अनुसार चलने का प्रयास करता है। परंतु मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों में मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, यौवन माने जवानी, उन्माद माने पागलपन। तो कहता है कि उसके जीवन में उसके मन में जवानी का पागलपन सवार है, इसी पागलपन में वह मस्ती से यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और वो कहता है इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुखों को भी सहना पड़ता है, उसे अनेक दुख मिलते हैं किंतु फिर भी वह इन दुखों को अपने साथ लेकर के चलता रहता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, और जब कवि को अपनी किसी प्रिय की याद आ जाती है तो वह बाहर से तो हंसता है परंतु अंदर से उसका मन रोता रहता है, अर्थात उसका मन व्याकुल हो जाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर धाना। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, कि लोगों ने बहुत प्रयास किया यह जानने का कि सत्य क्या है, परंतु कभी भी कोई जीवन के सत्य को नहीं समझ पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कवि कहता है हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये जो नादान है, नादान यानी मूर्ख, ये जो नादान व्यक्ति हैं ये वही हैं जो संसार में स्वयं को चतुर समझते हैं, जो स्वयं को संसार में चतुर समझते हैं वास्तव में वही व्यक्ति मूर्ख होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग इस पर भी ना सीखे, वो कहता है क्या यह संसार मूर्ख नहीं है जो इस बात से भी नहीं सीख पाता कि सत्य क्या है, वह सत्य को भुला करके अज्ञानता की बातें करता है। आगे कवि कहता है मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है सांसारिक ज्ञान की बातों को कवि भूल करके अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा है, अर्थात वह संसार के कहे अनुसार ना चलकर अपने मन के अनुसार चलने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट, मैं और जग और कहाँ का नाता, कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता, अर्थात मुझ में और संसार में कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पर और शब्द तीन बार प्रयोग हुआ है और यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और तो कवि के लिए है कि कवि अन्य है, कुछ और है, एक और जोड़ने के लिए बना है, और तथा एक और संसार के लिए प्रयोग हुआ है कि संसार अलग है, पृथक है। तो कवि कहता है कि मैं और संसार हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, हम दोनों में कोई भी संबंध नहीं है।
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं तो ना जाने कितने संसारों को रोज अपनी कल्पनाओं से बनाता हूँ और उन कल्पनाओं को मिटा देता हूँ। आगे कवि कहता है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि इस संसार में लोग सुख साधन एकत्रित करते हैं, वैभव इकट्ठा करते हैं। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, किंतु मैं हर कदम पर इस धरती को ठुकराता चलता हूँ। अर्थात मैं वैभव नहीं जोड़ता हूँ, मैं तो बस अपने मन की बातों को और अपने प्रेम के साथ इस संसार में जी रहा हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने रोने में भी संगीत लिए घूम रहा है, अर्थात प्रेम लिए घूम रहा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, वो कहता है उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। वो कहता है मेरी वाणी शीतल है। शीतल शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ अपनी कविताओं में, लेकिन फिर भी उन शीतल शब्दों में भी इस संसार के प्रति मेरा असंतोष झलकता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूपों यानी राजाओं, भूप माने राजा होता है, प्रासाद यानी महल, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। वह कहता है कि उसके जीवन में प्रेम की निराशा है और प्रेम का खंडर है, फिर भी उस पर वह राजाओं के महलों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। वह प्रेम रूपी खंडर के साथ जीना चाहता है, राजाओं के महलों के साथ नहीं जीना चाहता। मैं रोया तुमको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। बच्चन जी कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन रोता है, प्रेम की पीड़ा के कारण कभी कभी उनका मन रोता है, और यह संसार मेरे रोने को भी मेरा गाना मान बैठता है। अर्थात जब कवि रोता है तो वो काव्य रचना करता है, और जब वह अपनी काव्य रचना करता है तो वो तो कवि का रोना है, वो शब्द जो हैं वो कवि के रोते हुए शब्द हैं, लेकिन लोग उसको क्या समझते हैं, उसका बनाया हुआ गाना समझते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब जब मेरा दुख अत्यधिक बढ़ गया और वह दुख प्रकट हुआ, तो तुमने मेरे उस क्रिया को भी छंद बनाना कहा, कि तुम किसी नए छंद का निर्माण कर रहे हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहता है, क्यों वो मुझे कवि कहता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं वास्तव में इस दुनिया का एक दीवाना हूँ जो हर स्थिति में मस्त रहता है, तुम मुझे कवि क्यों कहते हो। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कवि कहता है कि वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। दीवाना यानी पागल, ठीक है, यानी प्रेम के प्रति पागल, तो वो प्रेम के पागलपन में इस संसार में भ्रमण करता है, घूमता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, वह कहता है उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है वह सिर्फ उसे ही लेकर के घूमता है। मादकता माने मस्ती, निशेष मतलब बची हुई, अर्थात उसके जीवन में जो मस्ती बची हुई है, शेष रह गई है, वह उसके लिए ही घूम रहा है, उसको साथ लेकर के इधर से उधर जा रहा है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। किस मस्ती को, जो कवि के जीवन में है, उस मस्ती को सुनकर के यह सारा संसार झूमने लगता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं, लहराते हैं, आनंद उठाते हैं। मैं मर्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मस्ती के संदेश को लेकर के कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। तो क्या कहता है कि मैं इस मस्ती का ही संदेश लेकर के पूरे संसार में घूम रहा हूँ, लोगों को प्रेम के बारे में बता रहा हूँ, संसार को एक नए जीवन से मिलाना चाहता हूँ, और लोग उसे मेरा गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। तो ये थी हमारी कविता आत्मपरिचय। अगले वीडियो में अगली कविता की व्याख्या समझाई जाएगी।